नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आलू व सेमपली की सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो हमने लिया है एक बड़ा साइज का आलू जिसको काट लिया है धो के, और 200 ग्राम फली ली थी सेमपली, तो इनको भी अच्छी तरह से धो के साफ करके काट लिए। इनके साइड के किनारे भी हटा दिए हैं। दो टमाटर कटे हुए, थोड़ी से लहसुन की कली इनको भी काट के लिया है, काट के लेने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, मिर्च और नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख ली। अब कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल ले लिया, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्के से पकने देंगे इसको। अब इसमें आलू डालेंगे, जो कटे हुए आलू हैं। सबसे पहले हम इसमें आलू ही डालेंगे। और आलू के साथ इसमें नमक डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे अभी। और इसको एक मिनट के लिए हम पकाएंगे ढक के। गैस को लो कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। ये देखिए, एक मिनट हो गई, आलू को हमने ढक के पका लिया कम आंच पे। अब इसमें सेम फली डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे इसमें, मिर्च और गरम मसाला, लहसुन की कली, और अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो गैस पे। गैस को हम लो ही रखेंगे, नहीं हमारी सब्जी जल जाएगी। ये देखिए, 2 मिनट के लिए हमने सब्जी को पका लिया, लगभग सब्जी पक के तैयार है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग इसमें टमाटर नहीं डालते, तो कोई बात नहीं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए और कम गैस में ही इसको पका लेंगे। बस सब्जी को अच्छे से पकाना है, फली और आलू अच्छे से पक जाएं। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना पानी सूखी सब्जी बन जाती है और बहुत ही आसानी से ये पक जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। चलो अब इसको ढक देंगे, 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट और हो गए हैं, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सब्जी बनके तैयार है, सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। आलू को इस तरह से तोड़ के देख लेंगे। ये देखिए, आलू बहुत ही अच्छे से पक गया है और फली भी पक गई है। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है और फटाफट बनके तैयार हो जाती है। एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।